हे व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप लोग एकदम जबरदस्त होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास एकदम खतरनाक ओपी एंड इंटरेस्टिंग न्यूज है, देन वीडियो को एंड तक देखते रहे। और गाइस, हम लोग 31 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी के साथ एंड मैं बात करने वाला हूँ बिंजट गेमिंग के बारे में। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो एंड कश्मीर का नंबर वन यूट्यूबर आमिर माजी। अगर आप लोग वगैरह देखते हो तो आप लोग जानते हो। तो क्या होता है, भाई के चैनल अभी के टाइम पर डिलीट हो चुका है। तो कल बिंजू भाई लाइव कर रहा था तो उसके बारे में बात किया है कि बिंजू भाई को इंस्टा पर बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, आमिर मजीद का चैनल डिलीट हो चुका है, बिंजू भाई अभी आप जम्मू एंड कश्मीर का नंबर वन यूट्यूबर बन गए। तो बिंजू भाई का ये कहना है, उसका चैनल डिलीट होने के बाद मैं खुद को जम्मू एंड कश्मीर का नंबर वन यूट्यूबर नहीं मान रहा। तो गाइस, तो आप लोग मुझे माफ कर देना, बिंजत भाई का वो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता बिकॉज वो क्लिप मेरा फोन से डिलीट हो गया यार, गलती से। मैंने रिकवर करने की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं मॉर्निंग को फिर से बिंजत भाई के चैनल पर गया उस क्लिप को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए, बट बिंजत भाई ने वो वाला स्ट्रीम को प्राइवेट कर चुका। तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो, मैंने कल लिया था। बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को मेरा मुंह से ही बोल के सुना देता, मतलब बिंजत भाई ये बोल रहा था यदि उसका चैनल डिलीट ना होकर सब्सक्राइबर्स के मामले में उससे आगे चला जाता तभी मैं जम्मू एंड कश्मीर का नंबर वन यूट्यूबर मान भी लेता, उसका चैनल डिलीट होने के बाद मैं नंबर वन यूट्यूबर नहीं मान। तो बिंजत भाई का ये कहना, इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताओ, और पता नहीं भाई की चैनल रिकवर होगा कि नहीं। ओके, तो अभी बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ एंड मैं बात करने वाला हूँ TSG ऋतिक के बारे में। ऋतिक भाई को बहुत लोग पूछते रहते हैं आप सुपर कार क्यों नहीं लेते, उसके बारे में भाई ने रिसेंट ब्लॉग पर बताया है, तो आप लोग देखिए। तो यार, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है रिसेंट में, क्या आपने कोई सुपर कार क्यों नहीं ली, मस्टैंग या फिर कोई भी BMW वगैरह ऐसी कोई कार क्यों नहीं ली रिसेंट में। मैं भी चाहता तो मैं ले सकता था लेकिन एक है अपन यार थोड़े मारवाड़ी फैमिली से आते गाइस, हमारे यहाँ पे कार्स वगैरह में स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं डालते, तो मैं चाहता तो मैं भी अभी तक 4 या 5 कार्स ले सकता था सुपर कार्स अगर मेरे को लेनी होती तो। बट यस, कुछ अलग प्लान्स थे गाइस, कुछ अलग चीज़ें लेनी थी तो पहले वो कंप्लीट करी हमने। तो यस, अभी ऑलमोस्ट आई थिंक आप लोगों की वजह से बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट है एंड सून हम लोग ये सब पे फोकस करेंगे। अभी कार्स वगैरह जो भी रहते हैं वो सब अभी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टोरी होने वाला है शिवा भाई गेमिंग के बारे में। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा शिवा भाई ने 6 महीने पहले ही फ्री फायर कम्युनिटी को छोड़ दिया और अपने मेन चैनल को भी सेल कर दिया। तो गाइस, तो फिर से शिवा भाई फ्री फायर कम्युनिटी में कम बैक कर चुका है और भाई ने ये भी बताया है आखिर भाई ने कम बैक क्यों किया। आप लोग भाई के मुंह से खुद सुन लो, लोग बोले कि भाई इनका पचड़ा है तुम क्यों घुस रहे हो उस चीज में, तो तुम्हारी जानकारी के लिए दिखा दूं। कल को मान के चलो कुछ ऐसा होता है जहां पर मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि मान के चलो ये हैकर वाला हो गया, अभी FIC आ रहा है और गेम में इतने हैकर है, मैं उम्मीद लगा के बैठा रहता हूं कि नहीं यार ये लोग मेरी हेल्प करेंगे, मेरी बात को समझेंगे, जो मैं बोल रहा हूं तो उस पर ये भी वीडियो बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे काम आएगा। ये स्काईलॉर्ड द्वारा कही गई कुछ बातें हैं, ठीक है, और भी लाइव स्ट्रीम पे काफी सारी बातें पड़ी हैं पर वो मैं तुम्हें निकाल के नहीं, ठीक है, मेरे पढ़ा दिखा दिया है। बाकी मैं खुद भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो भाई मैं लौट के आऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी जवान का पक्का हूँ। मैंने कहीं पर ये मैंने कहा था कि भाई मैं फ्री फायर कम्युनिटी पे कदम नहीं रखूंगा, ठीक है, जब तक फ्री फायर नहीं है। और अभी तुम देखो तो फ्री फायर का पूरी वीडियो तुमने चेक देख ही लिया, बाकी आगे देखो कहीं पर फ्री फायर गेम प्ले इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, जैसा बोला था वैसा जवान का पक्का हूँ। दूसरी चीज इस मैटर में, तो भाई जरूरत थी तो आया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा था, जब तक नहीं आया था जब तक ये मेरे को लगा थोड़ा मैच्योरिटी से काम ले तो साथ से बात अलग है, समझ जाए मैटर अपने आप। लेकिन जब इसने रिपोर्ट अनसब्सक्राइब ये वो होता कुछ नहीं उससे, पर फिर भी जब इसने ये बकचोदी कर दी ना तो फिर मुझे आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि ये बहुत गलत था। स्काई की मेमोरीज को तुम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि होगा कुछ नहीं, ठीक है, इतना तुम्हारे खुदा नहीं अंदर कि तुम उसकी मेमोरी खत्म कर दो, लेकिन फिर भी तुमने कोशिश की वो भी गलत। माइंड में जितनी सिंपैथी थी बंदे के लिए सारे निकल गई होगी सच्चाई जानने के बाद। तुम हाँ तुम्ही से बोल रहा हूँ, जो बंदे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तुम में से बहुत से लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो खत्म होने से पहले तुम वो देख लो जरूरी चीज। जनता एक टाइम पे कमेंट किया करती थी कि स्काईलॉर्ड हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, लेजेंड नेवर डाई, स्काईलॉर्ड एंडर लव फ्रॉम फ्रांड, बहुत से कमेंट्स, ठीक है, मतलब उनका कहना यह था कि स्काईलॉर्ड की जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है जो किसी भी बेवकूफ के कहने में नहीं आएगी। और आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ वही बंदे जो स्काईलॉर्ड को ब्लाइंडली सपोर्ट किया करते थे उसके जीते जी और उसके जाने के बाद भी, लेकिन वही बंदे जाके आज उसके चैनल पर रिपोर्ट मार रहे हैं। शर्मनाक बात है उन क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने ये चीज करने को बोला है, और दूसरी चीज जनता तो पड़ेगा तुम लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए थी, ठीक है, स्ट्राइक वगैरह मैटर उसका एक अलग सॉल्यूशन भी है, पर रिपोर्ट
मेमोरीज खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीज गलत थी जिसकी वजह से मैं आया हूं। तो अभी शिवा भाई बात कर रहे हैं हर्ष भाई के बारे में, यानी कि टेक प्रो हर्ष। आप लोगों को तो पता होगा अभी के टाइम पर हर्ष और स्काइलोट की छूते भाई अभिषेक भाई के साथ कंट्रोवर्सी होकर रखा। ओके, तो अभी फाइनल स्टोरी जो होने वाला है नॉन स्टॉप गेमिंग एंड क्लासी FF के बारे में। तो जब भी NXT NNG स्क्वाड में वर्सेस होता है तो उनके ऑडियंस एक दूसरे को हेड देते हैं, मतलब माँ बहन के प्लेयर्स को गालियां पड़ते हैं। तो इस चीज के ऊपर शिवम भाई और क्लासी भाई ने रिएक्ट किया है, तो आप लोग देख सकते हो। आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग रखेंगे मेंबर्स ओनली मोड, यानी कि क्लासी भाई भी रखने वाले, मैं भी रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। हम लोगों ने वही सोचा है कि यार जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी क्या गलती है यार, कि कोई किसी को माँ की गाली दे रहा है, कोई किसी को बहन की गाली दे रहा है। मतलब ऐसा है कि बंदों से अप्रिशिएट नहीं होता, और हर बार ऐसे ही पिछले टूर्नामेंट में तो हम लोगों ने वर्ड ही ब्लॉक रखा था कि तुम एक दूसरे टीम को गाली ना दे पाओ। बट इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अगर वर्ड ब्लॉक करते हैं तो जो बंदे सपोर्ट करने वाले हैं, चीयर करने वाले हैं, वो नहीं कर सकते हैं फिर। तो आज मेंबर्स ओनली मोड रहेगा तो मॉडरेटर के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा चैट पे फोकस करना, वरना तो चैट रेड भाई कितना भी तुम टाइम आउट कितना भी स्लो मोड कितना भी लगा दो, एक मिनट दो मिनट, अब 7-8 हज़ार बंदे देखेंगे तो चैट रेट तो ऊपर जाएगा ही। तो इसलिए भाई होप सो हेट आप लोग ना फैलाओ, कोई भी टीम जीते, दोनों इंडियन सर्वर की टीम है, फिर भी क्यों गाली देते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। मैं वही सोचता हूँ इन प्लेयर्स की गलती क्या है यार, अपना बैच दे रहे। अब दोनों टीमों में से कोई एक ही टीम जीतनी है ऐसा तो है नहीं कि दोनों को, अगर कोई ऑप्शन होता तो मैं तो दोनों को जिता देता। अब दोनों टीमें खेलेंगी बट दोनों में से एक ही टीम जीतेगी, और एफर्ट कहीं ना कहीं हर एक टीम अपना फुल लगाती है। अब चाहे वो अब किसी भी टीम से खेल रहे हो, AMF से खेल रहे हो, 9S से खेल रहे हो, या फिर GW1 से खेल रहे हो। तो मेंबर्स ओनली मोड रहेगा, जस्ट गेम को एंजॉय करो, और मेंबर्स ओनली मोड में हम लोग फोकस, मतलब मॉडरेटर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अब मॉडरेटर पूरी चैट पे फोकस नहीं कर पाते। और अब मेरे को नहीं पता भाई ये तुम लोग ऐसे मैनर्स कहां से मिलते हैं, कि उन लोगों ने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। एक तो होता है कि यार उसने मेरे को गाली दे दी है तो मैंने बदले में उसको गाली दे दी, बराबर हो गया कुछ ऐसा। बट ये लोग तो कुछ कोई किसी को बोलता ही नहीं है, ना NXT से ना कोई NG से बोलता है कि भाई ये उसको गाली दे दिया, उसको दे दिया। आप लोग ही आपस में बिना बात के गालियां स्टार्ट कर देते हो एक दूसरे को, ऊंचा नीचा दिखाना कि ये वो है, ये वो है, ये इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। समझ नहीं आता भाई इस लेवल का हेट क्यों है। तो उस लेवल के हेट को ही देख के हम लोगों ने यही सोचा आज कि मेंबर्स ओनली मोड रहेगा जब जब मैच चलता रहेगा। अभी अभी स्टार्ट हो जाएगा मैच के टाइम से, मेंबर्स ओनली मोड स्टार्ट हो जाएगा भाई। हम तो कर दो भाई, हम तो कमेंट ही बहुत करते हैं। हाँ उनके लिए नहीं, बट जो बंदे वो करते हैं ना, कि जो बंदे चैट में हेट फैलाते रहते हैं हर राउंड के बाद, कभी ऐसा हो गया कभी वैसा हो गया। अरे यार कुछ लोगों की वजह सब लोग क्यों यार, देखो जो कुछ लोग है ना वो आराम से प्यार से बैठ के गेम देखते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं हर टीम को दिल से, जो भी उनकी फेवरेट टीम है। अब जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो गालियां दिखती हैं चैट में और एक दूसरे को बस वही दिखता है। अब वो ज्यादा दिख रहा है तभी कहीं ना कहीं क्लासी भाई ने भी सोचा, मैंने भी सोचा कि ये चीज करनी चाहिए। कम होता तो मेरे को नहीं लगता हम लोग माइंड करते, या मॉडरेटर ही उतनी चीजों को संभाल लेता। हम लोग यहाँ पे कोई भी किसी को इतना हीट नहीं करता भाई बिल्कुल भी, जितना मतलब तुम लोग तो पता नहीं क्या करते हो, समझ में नहीं आता यार। और प्लेयर्स की कोई गलती रहती नहीं है, प्लेयर्स में भी नहीं है हमारे आपस में, तो प्लेयर्स में भी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, किसी में भी नहीं है, हम लोगों में किसी नहीं, मतलब प्लेयर्स भी ऐसा नहीं कि किसी को कोई कुछ बोलता है। इनकी क्या गलती है यार, सब अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, अगर कोई बंदा हार रहा है कोई जीत रहा है, अब दोनों में मैच होगा तो एक टीम तो जीतेगी। अब प्लेयर्स को क्यों गालियां दे रहे हो भाई, कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा, वो आपस में बस हेट कर लेते हैं भाई। तो गाइस, तो आप लोग एक दूसरे टीम को हेड क्यों देते हो यार, भाई मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो हेड देते हैं, भाई ऐसा क्यों करते हैं यार, ये गलत। तो गाइस तो ऐसा मत किया करो। ओके, आई होप आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आप लोग मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। ओके, तो इस वीडियो को यही पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड लव यू ऑल. Bye. That one's just me, so I'm sorry.